माफी मोड में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के कुछ दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल से माफी मांग ली है। हमें किसी से कोई ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी। किसी को अपमान होता है, किसी को कुछ होता है, हमारे कहने से हम माफी मांग लेंगे। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमने अपने लिए कोर्ट कचहरी के लिए समय नहीं रखा, हमने अपने लिए रखा है कि हम जनता के बीच काम करेंगे, जनता के मुद्दों पे काम करेंगे। सूत्रों की माने तो केजरीवाल ने पिछले साल गडकरी से अनौपचारिक रूप से माफी मांगी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर माफी मांगने को लेकर बातचीत 4 महीने पहले शुरू हुई। माफी मांगने को लेकर केजरीवाल के 2 मुख्य सहयोगियों ने गडकरी और उनके सहयोगियों के साथ कई दौरों पर चर्चा भी की। हालांकि सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में केजरीवाल को काफी समय लग गया। इससे ये पता चलता है कि नितिन गडकरी ने केजरीवाल को अपनी शर्त पर माफी मंगवाई है। डेफामेशन केसेस आर मेड अपॉन एलिगेशंस मेड बाय समबडी व्हिच आर अनसब्सटेंशिएटेड एंड व्हिच हार्म द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। इन दिस केस अरविंद केजरीवाल हैड मेड स्टेटमेंट्स व्हिच आर डेफामेटरी एंड द कंप्लेंट केस वाज फाइल्ड बाय गडकरी जी ऑन दैट बेसिस। Now that he has written a letter, he's not only stated, but he actually sent a letter to Nitin Gadkari ji, stating that he is sorry for what has happened. He's expressed regret. केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने ये मान लिया है कि वो सब आरोप बेबुनियाद थे और इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन वो इसे साबित नहीं कर पाए। केजरीवाल ने गडकरी का नाम भ्रष्ट राजनेताओं की सूची में डाला था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली सीएम के खिलाफ 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।